शीर्षक नागरिकता द्वारा नागरिकता का अर्थ भारत में नागरिकता इसके संबंधित उप संवैधानिक उपबंध प्रावधान तथा विभिन्न अधिनियमों के बारे में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। किसी भी देश की नागरिकता नागरिक मान्यता प्राप्त करने को नागरिकता कहा जाता है। किसी भी देश में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, एक विदेशी और दूसरा नागरिक। वे व्यक्ति जो किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं उस देश राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होते हैं तथा उनके वे नागरिक कहलाते हैं। उन्हें उस राष्ट्र में सभी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे व्यक्ति जो अन्य राष्ट्र से होते हैं तथा उन्हें ये राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें विदेशी कहा जाता है। आगे जाके विदेशियों को भी दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, विदेशी शत्रु एवं विदेशी मित्र। वे व्यक्ति जो उस राष्ट्र से संबंधित होते हैं जिनका भारत के साथ सकारात्मक संबंध है वे विदेशी मित्र कहलाते हैं तथा वे नागरिक जिनका संबंध उन राष्ट्रों से होता है जिनका भारत के साथ संघर्ष चल रहा होता है तो उसे विदेशी शत्रु कहा जाता है। तथा अनुच्छेद 22 के तहत विदेशी शत्रुओं को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं तथा गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के तहत ये असुरक्षित होते हैं। उसके बाद बहुत हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान तथा अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों प्रदान किए गए हैं, अन्य विदेशियों को नहीं। जैसे अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कहीं भी आने जाने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इत्यादि। अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में चुनाव में मत देने का अधिकार। किसी भी संसद एवं राज्य विधान मंडल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। सार्वजनिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता इत्यादि के लिए योग्यता रखने का अधिकार इत्यादि। किसी भारत के नागरिक को जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है, परंतु अमेरिका में जन्म के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। नागरिकता दो प्रकार की होती है, दोहरी नागरिकता एवं एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के संविधान में दोहरी नागरिकता उपस्थित है। ऐसा राष्ट्र जहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है वहाँ राष्ट्र के लिए अलग नागरिकता तथा राज्य के लिए अलग नागरिकता धारण करनी पड़ती है तथा वहाँ का जो नागरिक होता है वो राष्ट्र एवं राज्य दोनों से प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है। जबकि एकल नागरिकता, जैसे कि भारत में एकल नागरिकता उपस्थित है, वहाँ पर पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है दोहरी नागरिकता भेदभाव को प्रोत्साहित करती है, जबकि इसीलिए हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है ताकि भेदभाव को प्रतिबंधित किया जा सके। परंतु इसके पश्चात भी आज भी हमारे देश में आए दिन सांप्रदायिक दंगे, जातीय युद्ध इत्यादि होते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता प्रदान करने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी इस सब के पश्चात भी भेदभाव को दूर करने के लिए ही कई बार इन प्रावधानों में छूट भी दिए जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15 के तहत यह कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें निवास का
अभिप्राय नहीं है, इसलिए निवास के स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र में छूट दी जा सकती है। जैसे कि किसी राज्य के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पारित किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता के कभी कभी